नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। कई दिनों से आप देख रहे हैं कुंडली टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। और पानीपत की सब्जी मंडी की बात की जाए तो कई फड़ वाले पिछले दो तीन महीने से वहां पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं और आज जो धरना दिखा रहे हैं ये टीचरों का धरना है। पानीपत के SD विद्या मंदिर में सबसे बड़ा स्कूल जो है पानीपत में इस समय ये है, SD सोसाइटी के स्कूल हैं ये। और यहाँ पर पिछले तीन दिन साल तीसरा दिन है यहाँ पर टीचर जो है धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी भी मांगे हैं, इनकी जो इनका जो कहना है कि कई दिनों से उन्हें सैलरी नहीं मिल पा रही और अब सैलरी देने के नाम पर जो मैनेजमेंट हैं उनसे शपथ पत्र पर साइन करवा रही हैं। कुछ लोग रिटायर होने जा रहे हैं और उनकी भी सैलरी जो है कम देने की जो बातचीत है वो चल रही है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें क्योंकि जब शिक्षक धरने पर बैठा है, किसानों के बाद शिक्षकों का नंबर आता है, शिक्षक धरने पर बैठा तो कहीं ना कहीं गंभीर विषय हो जाता है। तो मेरे साथ टीचर है शकुंतला गर्ग, MCP हैं और टीचर भी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैडम, मुख्य मांग बताएँ क्या है और भी मैनेजमेंट से आपकी बातचीत हो रही है, क्या कह रहे हैं वो? नमस्कार, मैं शकुंतला गर्ग स्कूल से मैथ्स डिपार्टमेंट की टीचर हूँ और हमारे जो मेन प्रॉब्लम्स हैं टीचर्स को सैलरी ना देने की है। नवंबर के मंथ से सैलरी बिल्कुल भी नहीं दी गई इन्होंने और अप्रैल से किसी को 40%, किसी को कितनी इन्होंने सैलरी दी है, लेकिन स्टाफ ने फिर भी इनको कुछ नहीं कहा भी चलो जो हो रहा है होने दो। अब हमारे से एक लेटर लिखवाया जा रहा है, वो लेटर लिखवाया जा रहा है, उस पर ये लिखवाया गया है कि हमारी मर्जी है, हम आपको 10% दें, 20% दें, ना दें, तो ये तो सब नहीं बर्दाश्त करेंगे ना टीचर्स। और बहुत सारी ऐसी डिमांड, ये देखो ये लेटर है, ये देखो ये लेटर है, जबरदस्ती लेटर लिखवाया जा रहा है, ठीक है। और अभी टीचर्स इतनी हरेसमेंट स्कूल में है, 2 बजे छुट्टी का टाइम है, अनाउंसमेंट हो जाएगी स्टे बैक करो भाई, 5 बजे छुट्टी है, विदाउट इंफॉर्मेशन हस्बैंड्स बाहर लेने के लिए खड़े रहेंगे, किसी का भाई बहन आया जाएगा, लेकिन इतनी हरेसमेंट इसने सविता चौधरी ने यहाँ पे स्कूल में की हुई है। अब सबसे पहले हमारी यही डिमांड है कि इसको स्कूल से बाहर निकाला जाए। किसकी बात कर रहे हैं? प्रिंसिपल की। हाँ जी, प्रिंसिपल सविता चौधरी जैसे ही बाहर आएगी तभी स्टाफ अंदर जाएगा और उसके बाद हमारे सारे स्टाफ को सैलरी 100% देने की मांग। सविता चौधरी आपके साथ नहीं है, उनसे कुछ शपथ पत्र नहीं लिखवाया जा रहा? हमारे साथ है ही नहीं वो तो एक दिन भी हमारे पास नहीं आई। हम वहाँ 1 घंटा वहाँ खड़े रहे, 1 घंटा यहाँ खड़े रहे, दरी बिछवाने में भी हमने 2 घंटे लगा दिए कि कभी आए हमें कहे कि अनश्योरिटी दे कि मैम चलो अंदर, चलो स्टाफ मेंबर अंदर चलो, आपको कुछ उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। अभी तक देख लो 3 दिन हो गए, अभी तक नहीं आई वो बाहर, वो हमारे साथ ना थी ना है और ना कभी होगी। हमें ऐसा प्रिंसिपल चाहिए जो स्टाफ की प्रॉब्लम को समझे, उसकी उसके ऊपर बात करे, मैनेजमेंट से बात करे, किसी क्या प्रॉब्लम है, दुख में, सुख में, प्यार में, सबके साथ रहे। हमें ऐसा नहीं चाहिए, बच्चे हमारी सैलरी को इतना बड़ा मैटर नहीं है जितना बड़ा मैटर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है। उन्होंने तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी आत्मा को ही मार दिया। अब फिर जब इतने दिनों से नौकरी कर रहे हैं, सिंगल अर्निंग हैंड है, अगर ये तनख्वाह लेके घर नहीं जाएंगे तो घर कैसे चलेगा? जो लेडीज़ हैं, लेडीज़ को चलो सेकंड हैंड अर्निंग लगा लो आप, हस्बैंड कमा रहे हैं, लेकिन इनका कौन कमा रहा है? इनका तो कोई नहीं कमा रहा, ये तो खुद कमा रहे हैं, खुद पैसे लेके, किसी के बच्चे का एडमिशन है, किसी का कुछ है। अब मेरे एक टीचर है विर्क सिंदर विर्क, इसने क्या, इसने अपना लोन लेके अपनी बेटी को कनाडा पढ़ने के लिए भेज दिया, और किस ये सतिंदर विर्क है, और इन्होंने लोन किस बिना पे लिया कि मुझे स्कूल से सैलरी मिल रही है, मैं बैंक की किस्त भर दूंगा। 60,000 रुपये महीना बैंक की किस्त थी, सैलरी मिली नहीं, इसने अपना सामान, घर का सामान औने पौने दामों में बेचा, 5.5 लाख की मशीनें 1.5 लाख में बेची ताकि बैंक की किस्त चुकाई जाए। इसका क्या कसूर है?
कभी इससे पूछा, इसने हाथ जोड़े पैर पकड़े, मैडम मुझे दे दो मुझे दे दो, नहीं स्कूल से बाहर निकल जा। फिर जब हमने कहा भी जी लेटर पे हम साइन नहीं करते, उन्होंने एक ही जवाब किया, इस गेट स्कूल का गेट खुला पड़ा, आप स्कूल से बाहर निकल जाओ, हम जो हमारी मर्जी आएगी हम वही करेंगे। तो मैनेजमेंट से प्रॉब्लम आ रही है, प्रिंसिपल से प्रॉब्लम आ रही है, सैलरी कितनी थी और अब कितनी दिए जाने की बात चल रही है? ऐसा है ना, तो मैनेजमेंट से प्रॉब्लम है ना एसडी एजुकेशन सोसाइटी से प्रॉब्लम है, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम इनके नियम से है। ये जब से चेयरमैन जी आए हैं इन्होंने इस तरीके का काम कर दिया कि हमारा तो भूखे मरने की नौबत आ गई है। ये कोई तरीका है पढ़े लिखे लोगों से खाली कागज़ के ऊपर बिना डेट के साइन करवाने और ये बोलना कि ये लिख के दो कि आगे जो हमारा दिल करेगा हम वो सैलरी देंगे आपको, नहीं तो वो दरवाज़ा खुला कहीं चले जाओ। हमने ये कहा जी पिछले चेयरमैन भी तो दे रहे थे हमारे को सैलरी, जब फीस पूरी आई हुई स्कूल में, ट्यूशन फीस का मतलब क्या होता है, ट्विटर को देना टीचर को देना, उसको अगर हमें नहीं देंगे तो वो फंड्स जा कहाँ रहे हैं, हमें सैलरी नहीं मिल रही तो हम कहाँ जाएं। मैं 28 साल से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, मैंने अपनी बिटिया को बाहर भेजने के लिए लोन लिया और वो इस ब्याह पे लिया था कि भी मैं इतनी तारीख तक रिटायर हो जाऊँगा तब तक मैं उसकी किस्तें भर सकता हूँ, मेरी इतनी सैलरी आ रही है। जब इन्होंने वो तनख्वाह हमारी 33 टीचरों की बंद कर दी, हम कहाँ जाएँ, हमें कोई बताएगा आके, कोई आया हमारी बात सुनने वाला? जब प्रिंसिपल मैम के पास मैं गया हूँ कि मैडम मेरी पिछली सारी सैलरी दे दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैंने 6 महीने बाद रिटायर होना था, मेरे को बेशक पहले रिटायर कर दो, मेरे पैसे दे दो, तो मेरे को गेट का रास्ता दिखा रहे हैं कि कोई पैसा नहीं मिलेगा आपको, आपको अगर लेना तो 1 महीने की तनख्वाह लेके आप जा सकते हो। मेरे 28 साल मैंने यहाँ काम किया है, इससे बढ़िया स्कूल और इससे बढ़िया संस्था पूरे डिस्ट्रिक्ट पानीपत में नहीं है, बट इन दो आदमियों की वजह से इस स्कूल को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है और बेइज्जती हो रही है। अगर ये हमें तनख्वाह देते तो हम यहाँ बाहर क्यों बैठते? ये जिन वकीलों या मजिस्ट्रेटों की बात करते हैं वो वकील और वो मजिस्ट्रेट हमारे से ही तो पढ़ के गए हैं, ये सतीश चंद्र जी हमारे को क्या कानून सिखाएंगे? जितनी बात ये समझते हैं उतनी हमें भी आती है, समझ रहे हो ना? हमारा दुख दर्द कोई सुनने वाला नहीं, हमें किसी मैनेजमेंट से या किसी चीज़ से कुछ कोई एलर्जी नहीं है, कुछ नहीं। आज पहले भी हम अपने स्कूल से प्यार करते थे, आज भी उतने प्यार करते हैं, आगे भी उतने प्यार करते रहेंगे, जैसे हम इनको इज्जत देते हैं वैसे ये भी स्टाफ को इज्जत दें। कितने सालों से आप यहाँ? 28 सालों से हैं। क्या लगता है कि मैनेजमेंट क्यों कैसा कर रही है? सर मैनेजमेंट हमारी पहले भी मैनेजमेंट आई है, हमें कोई दिक्कत नहीं आई, उन्होंने जैसा भी सैलरी में हमारा किया तो हमने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं की। लेकिन अब हमारे जो 33 टीचर हैं जिनको बोल दिया गया कि नो वर्क नो पे, तो सर देखो हमारे बहन भाई हैं वो भी छोटे, हमें चाहे हमें 70% दे रहे हैं लेकिन 70% में भी हम सेटिस्फाइड थे कि हमारे बहन भाई रहे। लेकिन उससे भी बड़ी बात सतीश चंद्र जी ने कि जिन बहन भाइयों ने लेटर ज़बरदस्ती लिखवाया गया हमारे से स्टेट दे के भाई ऐसे लिखो बिना डेट का लिखो, उसके बाद जिन हमारे बहन भाइयों ने नहीं लिखा उनकी बेइज्जती की इन्होंने कि आप जाओ अब आपका गेट खुला हुआ है डियर आपके लिए जगह नहीं है। तो ये सर बेइज्जती बहुत बड़ी है हमारे बहन भाइयों के, हमारे सामने ही बेइज्जती करी। और दूसरी बात अध्यापिकाओं को कह दिया कि घर बैठे पढ़ा नहीं रहे हो स्कूल में बुला रहे हैं, तो इसलिए मैंने मीडिया को चेयरमैन सर ने बोला है कि मैंने टीचर्स को यहाँ बुलाया है तो टीचर इसलिए विरोध कर रहे हैं। सर हम घर बैठ के भी रात के 10:30 बजे तक पढ़ाते हैं, बच्चों के मैसेज आते हैं उनके जवाब देते हैं, हमारे पास प्रूफ है उन चीज़ों के, मोबाइलों में पेरेंट्स प्रूफ है, बच्चे प्रूफ है कि हम उनकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट रात के 11 बजे तक भी करते हैं। तो हम स्कूल में तो 2 बजे तक ही काम करके सैलरी ले रहे, अब तो हम सारा दिन और रात सैलरी का काम करके सैलरी ले रहे, वो भी आधी सैलरी। और जिन बहन भाइयों की सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक परिवार हैं, हमारे छोटे बहन भाई यदि दुखी होते तो हम उनके साथ हैं दुख में, और यदि उनके साथ कुछ होता है तो हम उनके साथ ही करेंगे सब कुछ, हम उनके साथ ही बाहर का रास्ता देखेंगे, हम नहीं अंदर जाएंगे। और ये चाहे लालच दें कुछ करें, मेरी रिटायरमेंट अगस्त में है लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरे सब बहन भाइयों के साथ जो इनकी मांग है वो पूरी नहीं करेंगे तब तक हम ये दरी नहीं छोड़ेंगे और इससे आगे भी हम आंदोलन को बढ़ाएंगे। आपको लगता है जैसे 33 टीचर को कह रहे हैं, आगे डर और भी है कि किसी और टीचरों को भी कह दें, इसलिए आप मजबूती से ये उठा रहे हैं आवाज? नहीं डर हमें यही है सर। आई एम संजय अरोड़ा द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट इन दसडे विद्या मंदिर। फॉर द पास्ट 20 ईयर्स आई हैव बीन वर्किंग हियर एंड आई हैव नॉट सीन सच थिंग्स हैपनिंग इन द स्कूल। In the name of COVID, they have started torturing us. It is a 28-year institution and almost 7,000 was the strength of this school a few years back when they have split this into two, SDVM City and SDVM Panipat, Hooda. And now, even now, the strength of the school is around 3,500. So they have ample amount of funds in the accounts of the bank account. The people can check. If we put an RTI against them, that how much fund is lying there in the accounts of the school,
you can yourself verify that how much fund is there, and still they are saying that we have no funds for paying the salary to the school, so we'll pay only 50% to you. In the month of May, they didn't pay the salary for the month of April. They didn't pay for the July, May, up to the end of the May. Then they said that parents are not paying the fees, so we'll give you only 50% of the fee. Do you people agree for that or not? Just give us in writing that you are with school. We just agreed that parents are not paying the fee. We agreed for the 50% salary and we signed for that. And after that, they keep on paying 50% salaries. Then they asked us to ask the parent, request the parents to pay the fees. Teachers, the class teachers requested the parents that please pay the fees. They paid the fees. That when the parents will pay the fee, then we'll give you the salaries. We requested, the teachers requested, the parents were saying that we are not in a position to pay the fees of the school, our business is stopped and our jobs are not there, so we are not able to pay the fee. But parents, teachers requested, and around 95% of the fees are there up to the month of October. And in the months of October and September, they just gave us 100% salary. That was the last management. There was election of the management in the month of November. Then before the old management went after the completion of their term, the last one they paid us 100% for 2 months, around October and November. And after November, again, when this new management came, the same thing started, that we are not having the funds, so we are not able to give you the full salary. 70% of the salary was given to us for the past few months. We still agreed. So we are with school, we are the part of school, this is our school, we have been working for this for the past 20 years. We didn't refuse for that, we didn't oppose them, that we are not agreed. Now they want us to give them in writing that we are agreed and will not ask for, I have just shown you the format, that what is the language. If a learned person like me, a teacher, will never sign it a letter like this, because this is like just cutting my hands and giving into the everything to them. I have worked here so that I could think of the welfare of my wards on it. I am a family man. I have family to look after. After the retirement, I am 52 years of age around, after 6 years. What will I do after the retirement? Well, I'll not be having sufficient funds in my account. What should I do after that? So they just want to reduce my salaries to 50%. So why should I write that? I just refused that I'll not sign that letter. And that's why I was told, if you are not ready to sign, you are not with the school, you are not with the management, just go out of the school, the doors are open for you. COVID ke naam par matlab ishara ho raha hai, aap ye batao kitne saalon se padhai kar rahe hain, jaise bata rahe hain ki kahin agle mahine retirement hai, kahin 6 saal baad retire ho rahe hain, to kya kehna chahenge, management kyon aisa ruk kar rahi hai? Main yahan 11 saal se job kar raha hu ji, aur as a HOD of Hindi department. और पहले जो management थी, इससे पहले भी जो हमारी management थी, श्री रघुनंदन जी थे, उन्होंने हमारे को ये कहा था कि जैसे जैसे आप लोगों के पास फीस इकट्ठी पेरेंट्स से होती है, हम आपको फंड के अकॉर्डिंग सैलरी देंगे. उन्होंने किया भी वैसा, 2 महीने की उन्होंने फुल सैलरी दी. लेकिन जैसे ही ये सतीश चंद्रा जी आए, ये पहले भी जो सिटी में गए थे, इन्होंने वहाँ भी जा कर के कुछ टीचर्स को हटा दिया था, उनका वर्क सस्पेंड कर दिया, कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है. अब ये फिर यहाँ आए, वही पद्धति इन्होंने यहाँ पर अपनाई. ये आकर के कहते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है. कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, फंड्स नहीं हैं, जो सैलरी हमें दे रहे थे हम उसको पूरा संतुष्ट मन से स्वीकार कर रहे थे. अब इन्होंने क्या किया, 25 तारीख को जैसे स्कूल खुले, हम 26 को भी आए, तो आकर के इनकी मंशा क्या रही कि कभी अब टीचर्स यहाँ हैं, अब ये पिछला एरिया या क्योंकि फीस तो आ रही है जी, टीचर्स जो हैं क्लास टीचर हैं, कलेक्ट वही कर रहे हैं फीस, पेरेंट्स को वही फ़ोन कर रहे हैं. अब इनको पता चल गया कि फीस तो आ रही है, अब क्या जवाब देंगे. अब इन्होंने प्रिंसिपल मैम ने और इन्होंने मिलकर के एक साठ गांठ की और एक लेटर तैयार करवाया कि टीचर्स से लेटर लिखवा लेते हैं. तो सारे HODs को मैम ने बुलवाया और हमने कहा कि जी हम ये इस प्रकार का लेटर तो श्री रघुनंदन जी को लिख करके दे चुके हैं कि हम स्कूल के साथ हैं, कोऑपरेट करते हैं. कहते हैं कि नहीं, वो भाषा इनकी समझ में नहीं आई, इनका काम करने का तरीका कुछ और है, उनका काम करने का तरीका कुछ और था.
चलो हमने कहा जी ठीक है। अब इन्होंने जैसे ही हमारे को वो लेटर दिया और उसकी लैंग्वेज हमने पढ़ी, वो लैंग्वेज ऐसी थी कि वो टीचर के हित में नहीं थी कि जो आपको हम सैलरी देंगे वो आपको स्वीकार है और आप उससे संतुष्ट है। अब एक बात बताएं सर, आप मैं तो पहले सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 3 दिन से हमारा धरना चल रहा है और एक वॉइस ऑफ पानीपत या वॉइस ऑफ हरियाणा जो आपका चैनल है इसने हमारी सुध ली है। अभी तक हमारे पास वैसे हमारे जो हैं मीडिया कर्मी आते रहे हैं, लेकिन चैनल पे दिखाने वाला हमारी जो ये बहनें 8-10 बजे तक या कई एक रात तो हम 11 बजे तक बैठे रहे हैं, किसने हमारी सुध नहीं ली? यहाँ का प्रशासन है। अब उनको कोई जैसे SP है, DC है, अब वो तो नुमाइंदे हैं ना इस सिटी के, यहाँ भी कुछ भी होगा, उन्होंने किसी ने हमारी सुध नहीं ली। 300 मेंबर्स की कमेटी है संस्था, चाहे इसमें प्रेसिडेंट है, चाहे विजय अग्रवाल जी हैं, चाहे रोशन मित्तल जी हैं, किसी ने हमारी सुध नहीं ली। हमारी मैनेजमेंट आती है अंदर चाय पी करके, कॉफ़ी पी करके चली जाती है, टीचर बाहर बैठे हैं, वो अब भी ये सोचते हैं कि ये 2 दिन के बाद फिर अपने आप अंदर आ जाएंगे। और जो टीचर्स हैं हम देखो जी रिस्पेक्ट चाहते हैं, इन्होंने हमारे को बाहर एक किस्म से खदेड़ा है। इन्होंने ये कहा है कि जिसका काम करने का मन है वो काम करे, हम काम करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन आप हमसे अपना बांध करके काम क्यों करवाना चाहते हैं कि ये लेटर लिख के दें? जो लेटर लिख के नहीं देगा वो बाहर जा सकता है। जिस टीचर ने अपनी पूरी लाइफ यहाँ दे दी, 21 साल, मैं तो 11 साल से यहाँ हूँ, जिसने 21 साल 22 साल 23 साल जिस व्यक्ति ने यहाँ पर अपने दे दिए इस संस्था के लिए, उनको इस प्रकार का लिए बोल दिया जाए कि आप बाहर जाओ, आपके लिए बाहर का रास्ता है। और दूसरा, अब हम ये टीचर इन्होंने ये सोचा है कि ये चेयरमैन जो हैं ये शायद इस संस्था के हक में नहीं हैं। पहले यहाँ पर बच्चों की, जब मैंने 2010 में मैं यहाँ आया, 2013 में मैंने अपने बच्चों का एडमिशन कराया, तब सिफारिश से एडमिशन करवाया था, तब चेयरमैन सर वो यहाँ पर श्री अरुण जी होते थे, उनके घर में गया और माँ जी मैं आपके स्कूल में टीचर हूँ और मेरे बच्चों का एडमिशन करवाना है। तब 3 बच्चों के लिए बोला था, केवल 2 बच्चों का एडमिशन हुआ था। तब इस स्कूल की हालत ऐसी थी, कभी प्रोस्पेक्टस बाहर नहीं बिकते थे स्कूल के, मैनेजमेंट के थ्रू नीचे प्रोस्पेक्टस बिकते थे, सिफारिशें आती थी, DC SP सांसद MLA विधायक सबकी सिफारिशें आती थी। आज सिचुएशन इन लोगों ने ऐसी कर दी कि टीचर्स के साथ मतलब इस प्रकार का स्वभाव कर दिया कि वो काम करने के लिए खुश ही नहीं है, इनका टीचर्स को दबाने का वो रहा है, चाहे जैसे कैसे अब हमारी सैलरी काट दी जा रही है। अब यदि हमारे पास सैलरी नहीं होगी तो हम अपना घर कैसे चलाएंगे? यदि अब ये हमारे को लेटर की मंशा बता दें, हमें ये लेटर लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने जब कहा कि आप जो हमें सैलरी दे रहे हैं हम उसका जब विरोध ही नहीं कर रहे, आप फिर कहते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं लेटर समझ नहीं सकते। माँ जी हम तो समझ गए, आप अपनी मंशा बताएं आप क्यों लिखवा रहे हैं? तो कहते ज़्यादा सयाना बनने की ज़रूरत नहीं है, आप माई डियर आपके लिए रास्ते खुले हैं, आप जा सकते हैं। तो हम तो जी इन्होंने भेज दिया हम यहाँ बाहर। धरना प्रदर्शन कितने दिन तक जारी रखोगे? बीच की कोई बात आपके मैनेजमेंट से चल रही है इस मामले को लेकर? देखिए कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक तो हम यहीं पर बैठे हैं, और हमारी मैनेजमेंट से कल बात हुई थी, अब वो 2 बार हमारी बात हुई है, यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं नरेश जी उनसे हमारी बातें हुई हैं। अब उन्होंने कोई हमारे को ऐसा आश्वासन नहीं दिया, वो अकेले ही आए थे, अकेले आकर के उन्हें हमारे 4 बंदे यहाँ से गए थे, 4 टीचर गए थे। अब हमने उनसे बात की है, हमने कहा है कि जी अब बताएं, हमारी ज़्यादा मांगे नहीं हैं भाई, हमारे जहाँ तक फीस बच्चों की आ चुकी है वहाँ तक हमारी सैलरी दे दी जाए। नवंबर दिसंबर तक बच्चों ने फीस पेड कर दी है, दिसंबर तक हमारी पूरी सैलरी, हमारा जो एरियर है वो सैलरी दे दी जाए। स्कूल के अंदर क्या है, इस स्कूल के अंदर ऐसा है जी, मान लो आप अपने प्यारे हैं आपको कुछ सब कुछ मिलेगा, अब यहाँ स्कूल में कुछ स्टाफ ऐसा है, 2-3 स्टाफ अंदर हैं, 2-3 टीचर हैं, उनको 90% सैलरी मिल रही है, कुछ को सैलरी 70% मिल रही है, कुछ 32-33 टीचर ऐसे हैं उनको ये कह दिया कि आपको सैलरी देंगे ही नहीं। अब उनको फिर हमने क्या है कि एक लेटर दे दिया CBSE में, CBSE के वहाँ से जाँच आई, अब इनको फंस गया कि अब हमारे हाथ कटने वाले हैं। इन्होंने वो जो टीचर 2 महीने से घर बिठा रखे थे वो 25 तारीख से स्कूल में बुला लिए, उनको रिज्वाइन करवा दिया। अब वो कभी ये ना कहें कि हमारे को सैलरी नहीं मिल रही थी, तो अब ये मिला बुला करके और ये अपनी साठ गांठ करके उन टीचर्स को धमका करके आपकी नौकरी चली जाएगी, हम बचा रहे हैं, हम आपको भी अंदर लेके आए हैं तो आप इस पर साइन कर दो, और दूसरा क्या कह रहे हैं कि आप रिज्वाइन कर लो।
अब रीज्वाइन में उनको ये कह रहे हैं हम आपको 50% सैलरी देंगे, रीज्वाइन कर लो फर्स्ट फाइव से। अब वो रीज्वाइन करने में क्या कि यदि ऊपर से लेटर आता है तो ये कह देंगे कि जी हमने उनसे तो 50% में बात कर रखी है और इन्होंने तो जी ज्वाइन ही एक फर्स्ट फाइव को किया है, हम सैलरी इनको दे ही रहे हैं। ये अब फंसे हुए हैं, ये अपने साख बचाने के लिए अब इन्होंने हमसे भी लेटर इसीलिए लिखवाया है कि कभी CBSE की जो टीम आए और इनको ये ना बता दे, उनको ये ना बता दे कि हमारे को भी सैलरी फुल नहीं दे रहे हैं, तो हमसे ये लेटर लिखवा करके उसमें डेट क्यों नहीं मेंशन करवाते। क्योंकि जब जून में हमारे श्री रघुनंदन जी ने लेटर लिखवा लिया था, हमने वो लेटर लिख करके दे दिया था, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं लिखवाई थी सैलरी से रिलेटेड। उन्होंने ये लिखवाया था कि आप स्कूल को कोऑपरेट करो, हमने स्कूल को कोऑपरेट किया और लेटर हमने फट से लिख के दे दिया अपने। वो लैंग्वेज दूसरी थी, ये लैंग्वेज दूसरी, समझ नहीं आई आपके। हाँ लैंग्वेज उसमें कुछ नहीं, उसमें लैंग्वेज ये था कि हम स्कूल के साथ हैं, स्कूल के साथ आज भी हम हैं। वन मिनट, ये वो स्कूल के साथ हैं। अब इन्होंने ये श्रीमान जी कहते हैं सतीश चंद्रा जी कि वो रघुनंदन जी का जो लेटर था वो तो इन्होंने, देखो जी ऐसे है, चेयरमैन सर ऑफिस में बैठे हैं, प्रिंसिपल मैम और एक कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पे हैं यहाँ पर पंकज सर और शैफालिका मैम, उन्होंने बरगलाने का टीचर्स को काम किया है, किसी को डरा कर किसी को धमका कर कि आपकी नौकरी चली जाएगी, आपको तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा, आपको मैनेजमेंट का सामना करना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट वाइज इन्होंने बुलाए, पहले इंग्लिश डिपार्टमेंट गया फिर हिंदी गया। मैं अपने डिपार्टमेंट की बात बताता हूँ, जैसे मेरा डिपार्टमेंट गया तो इन्होंने वो सारे लेटर जो थे उनकी फ़ोटो कॉपी करवा रखे थे जो जून में हमने श्री रघुनंदन जी को दिए थे। अब वो लेके आए प्रिंसिपल मैम को, तो वो कोऑर्डिनेटर हैं, वो लेटर हैं एक एक करके दे रहे हैं, वो पास कर रहे हैं। प्रिंसिपल मैम बोल रही हैं देखो जो लेटर है ना आप कह रहे थे ये सारे मेरे पास थे और ये रघुनंदन जी के द्वारा लेटर लिखवाए थे, लो आप अपने हाथ से ही फाड़ दो। तो फिर वो एक एक करके पास करके वो चेयरमैन सर के पास जा रहे हैं, एक एक टीचर चेयरमैन पास सर के पास जा रहे हैं। चेयरमैन सर उस लेटर को इतना सा फाड़ देते हैं थोड़ा सा, फिर कहते हैं बेटा इसको फाड़ करके फेंक दो, आप कहते थे ना कि वो लेटर, माँ जी लेटर फाड़ने का कौन सा ड्रामा कर रहे हैं आप हमारे साथ। कहते हैं कि उनको लैंग्वेज ठीक नहीं लिखवानी आई, ये लिखवाई। मैंने पूछा माँ सर इसकी लैंग्वेज सही नहीं है, रघुनंदन जी ने लिखवाया हमने लिख के दे दिया, हम स्कूल के साथ हैं। कहते हैं रघुनंदन जी के पास ही चले जाओ, वहाँ चले जाओ। तो एक बात बताओ ना, जो चेयरमैन सर आएगा जो अपनी वो लिखवाएगा, हम कौन से कितने घर बदलेंगे जी। बिल्कुल आप बताएं क्या। जैसे सर ने बताया लेटर के बारे में, अगर आप काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से देखते हो तो वो चेयरमैन सर क्या कह रहे हैं कि हमने लेटर लिखवाई नहीं। आप यहाँ पर 180 का स्टाफ बैठा है, उससे भी ज़्यादा लोग बैठे होंगे, आप किसी से पूछ लीजिए लेटर, आपको सतबीर सर ने बताया, संजय सर ने बताया कि लेटर लिखवाई नहीं लिखवाई, वो क्लियर कट ये मना कर रहे हैं कि मैंने कोई लेटर नहीं लिखवाई, तो अब हम कैसे विश्वास करें। क्लियर कट 180 लोगों के सामने बात करने के बाद वो इस चीज़ को मना कर रहे हैं, उसके बाद भी 3 दिन हम हो गए बाहर बैठे हुए, कोई हमारे से किसी टाइप की कोई मतलब सहानुभूति नहीं है। क्या काम करा जा रहा है, एक कैमरा था जी, दूसरा कैमरा और लगवा दो, देखेंगे कि स्टाफ क्या कर रहा है। एक एक स्टाफ का अंदर बुला बड़ा हाईलाइट करके फोटो खींची जा रही है कैमरे से कि ये बैठा है, इसको किस पर्पज़, हमें ये समझा दें कि पर्पज़ क्या है उस चीज़ का। आप हमारे साथ हो, आप हमारे दुख को समझ रहे हो, या आप हमसे बाद में बदले लेने की सोच रहे हो कि भाई कैमरे से इनकी फ़ोटो खींचें। चलिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन संक्षेप में आपको सारी बात समझ आ गई होगी कि स्कूल का विवाद क्या है। एक एक पॉइंट पे आपने समझा, तो अगर जो मैनेजमेंट इससे वीडियो को देख रहा है वो हमारे से कुछ अपनी बातचीत रखना शेयर करना चाहता है तो आपका स्वागत है, हम लोग आपकी बातचीत सुनने को तैयार है। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें, तस्वीरें जो है पानीपत के SD विद्या मंदिर सीनियर विंग के बाहर से देख रहे हैं, जहां पिछले 3 दिन से ये टीचर जो है अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। 11 बजे तक भी ये लोग बैठे हैं और इनका ये कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वो यहीं पर डटे रहेंगे। तो जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ, पल पल की अपडेट जो है हम लोग वॉइस ऑफ पानीपत के जरिए देते रहेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि पानीपत तक, पूरे पानीपत तक और प्रशासन तक ये वीडियो पहुंच सके। वैसे पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किस्त, बिग ब्रांड्स पर ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट GT रोड, इंडियन बैंक, पानीपत। Colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. By Sanskriti School, a better place, a better world. By Sanskriti School, sapno se behtar kal. By
Sanskriti School at Colors to Your Learning. By Sanskriti School, your life will be shining. अगर आप पुराने दर्द से परेशान हैं, अगर आप बड़े अस्पतालों में इलाज करवाकर लाखों रुपए बिल देकर थक चुके हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो एक बार विजिट जरूर करें एडवांस हेल्थ केयर में। ट्रीटमेंट बाय कोरियन एंड एक्यूपॉइंट थेरेपी। केवल 15 मिनट की थेरेपी से तुरंत दर्द से छुटकारा पाएं। गर्दन का दर्द, सर्वाइकल, सीआरटी का कमर दर्द, घुटनों का दर्द, माइग्रेन, सिर का दर्द, पुरानी गैस कब्ज से छुटकारा पाएं। पुराने से पुराने दर्द का इलाज भी है, पहले दिन से आराम आना शुरू। हमारा पता है हाउस नंबर 9, गौशाला मंडी, गौशाला मंदिर के साथ गुहाना मोड़, जीटी रोड, पानीपत। मोबाइल नंबर 8168310885।